युवान ये अपने आप को कबीर कबीर युवान नहीं सिर्फ कबीर यार सिर्फ तुलिका से और नफरत पूरे राठौर फैमिली से नफरत उन सब से जिन्होंने मुझे सताया था नफरत उन सब से जिन्होंने मेरा जीवन मुश्किल बनाया था तुम मुझे उन सबका चहेता बनाना चाहती थी और कबीर को अपने तरीका से दूर रखना चाहती थी नहीं बन्नी नहीं मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा युवा नहीं कबीर कबीर और कबीर के सपनों के बीच कोई नहीं आ सकता कबीर जो चाहता है वो पाता है तो अब मेरे और तुलिका के बीच में आने की वजह से तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर होना होगा अब युवान जाएगा बचेगा सिर्फ कबीर सिर्फ कबीर सिंह राठौर भाभी जाओ जो फोन पे कह रही थी वो सच था हाँ अगर बन्नी ने खुद ना कहा होता तो हम तो ये बात कभी ना मानते कि जेठ जी बन्नी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं तुम ही कहती थी ना कि जब तक भाभी जाओ युवान की लाइफ में है वो कभी गलत नहीं कर सकता भाभी जाओ तो चली गई तो युवान अब मालिक कुछ ये ठीक है बाबू क्या है युवान बन्नी युवान बन्नी तुम यहाँ कैसे यहाँ क्या कर रही हो सब बता दिया मुझे बन्नी ने दादू सा भैया ऐसा कैसे कर सकते बनी भाभी के साथ और आप ही तो भाभी को लेकर आए थे ना आपकी बात वो कभी नहीं टालेगी आप प्लीज जाके उन्हें लेकर आइए ना किस मुंह से ले हूं बेटा किस मुंह से ले हूं बता तू और जब कल उसने हमारे से फोन पे बात करी है उसके बाद तो हमारे पास कुछ कहने के लायक ही ना बचा कुछ भी मतलब मैं मानूं कि आज तक मैंने अपने स्वार्थ के कारण बन्नी ने इस रिश्ते में बांध के रखा पर भीतर भीतर अंदर खाने हमारे को एक उम्मीद थे एक आस थे कि अपना जो युवान है वो एक न एक दिन बन्नी ने उसका प्रेम उसका हक जरूर दे देगा पर अब तो वो रही से उम्मीद भी टूट गई पर दादू भैया भाभी के पास ही गए अभी अरे क्या हो गया क्यों इतना गुस्सा हो रहा है क्या हो गया क्या हो गया आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए ना दादू साकी क्या हुआ है ये जमीन के पेपर्स हैं जो युवान ने बिना किसी से पूछे या बताए खरीद लिए इस घर के और खासकर बिजनेस के कुछ रूल्स है दादू साहब जो आप ही ने बनाए मैं मानता हूं कि ताया जी ने युवान को कंपनी का सीईओ बना दिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन रूल्स के ऊपर निकल गया है मैं कौन हूं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बिना मेरे से पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है वो हस्ताक्षर तो युवान के ही है उसी के हैं दादू साहब वैसे भाभी चाहो ने ना एकदम सही कहा था युवान एक नंबर का दोगला इंसान है
कैसे आप सबके सामने मुझे गले से लगाकर बोल रहा था छोटे भाई के साथ काम करूंगा, छोटे भाई से काम सीखूंगा, ये कर रहा है मेरी पीठ पीछे। क्या हुआ दादू साहब, अब भी आप कुछ नहीं बोलेंगे, हमेशा की तरह चुप रहेंगे, युवान की इस गलती को भी नजरअंदाज कर देंगे? फालतू का इतना बड़ा तमाशा कर रहा है तू, ऐसे इसकी कोई जरूरत ना है भाई। हमारे को युवान पे अब भी पूरा भरोसा है, जरूर जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। फॉर गॉड सेक दादू साहब, फॉर गॉड सेक, अब तो अपने युवान को डिफेंड करना, उसे प्रोटेक्ट करना बंद कर दीजिए। अब तो आपके सामने है, आपका युवान बदल गया है, वो किसी से प्यार नहीं करता, सब एक झूठ है, सब एक धोखा है। अरे आप भाभी चाव को देख लो, कितना किया उस युवान के लिए, लेकिन अब क्या, उसे भाभी चाव की परवाह नहीं है, तो हमारा क्या खाक सगा होगा वो? खत्म, बन्नी की कहानी खत्म होनी ही थी। कबीर और तुलिका के बीच में जो आ रही थी ये, कबीर और तुलिका के बीच कोई नहीं आ सकता, बन्नी तुम भी नहीं। ये पन्नी कहां रह गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। Come on, पन्नी, फोन उठा। अगस्त्य जी, आप विष्णु तो नाइट क्लास के लिए गए हो और बन्नी अपने पति के साथ कहीं गई है, कुछ काम तो बन्नी से, तो मन्ने बता दो, जब वो लौटेगी तो मैं उसे बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं उससे बात कर रहा हूँ, शुक्रिया। बन्नी तो युवान से नाराज थी ना, युवान से मिलने कहाँ गई? हाँ रोहन बोल। अगस्त्य, तूने मुझे बन्नी के फोन की लोकेशन ट्रैक करने कहा था ना, मैंने निकाल ली है, शेड लास्ट लोकेशन में थी। थैंक्स अ लॉट यार रोहन, थैंक यू सो मच। मुझे पता है तुझे ये काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी और तूने किसी से फेवर भी लिया होगा, जिससे भी लिया है ना, जस्ट थैंक दैट पर्सन फ्रॉम माय साइड। यू टेक केयर, आई टॉक टू यू। पन्नी इतनी दूर सुनसान जगह पे क्या कर रहे है? इनके दिमाग में कोई ऐसा पार्ट ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से इनकी एक न्यू पर्सनालिटी, एक नई पर्सनालिटी पैदा हुई है। युवा नहीं कबीर, तुलिका का कबीर। ओरिजिनल पर्सनालिटी को याद भी नहीं रहेगा कि उसकी कोई स्प्लिट पर्सनालिटी है, लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। युवा मुझे रूम से क्या मिला, इस पे तो खून लगो है, चोट लगी, ये कैसे लगवा ली, हा? कैसे लगी है ये? मैं यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, हम? अब युवान जाएगा, बचेगा सिर्फ कबीर, सिर्फ कबीर सिंह राठौर। हमारे को जीना है शंभु जी, मुझे हमारे को जीना है। युवान, युवान ना, कोई बचाओ। नर्स, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज।
मैम आपका कोई और पेशेंट नहीं है, आप प्लीज इन्हें चेक करिए, इन्हें काफी गहरी चोट लगी है, इसे एन इमरजेंसी मैम, मैम प्लीज चेक करिए इन्हें। नर्स आप इन्हें ओपीडी में ले जाइए किसी और डॉक्टर के पास। आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसे एक्सीडेंट्स मेरे एरिया में नहीं है। मैम ओपीडी में कोई नहीं है, शिफ्ट अभी चेंज हुई है, डॉक्टर अभी पहुंचे नहीं है, प्लीज मैम इट्स एन इमरजेंसी। सर आप प्लीज वहां जाके बैठिए। हेलो, यस सिस्टर। ना हमारे को जीना है, मैं इसे मर ना सकूं। युवान का ये दूसरा रूप नहीं जीत सकता, कबीर सबको बर्बाद कर देगा, युवान ये कभी नहीं जाएगा। हमारे को जीना है, हमारे को जीना होगा, युवान के लिए जीना होगा। बन्ने, बन्ने, बन्ने! जो घूरना बंद करोगे तुम, आंखें बंद करो अपने, करो। कर ली, लेकिन तुम मुझे अभी दिखाई दे रही हो और साथ ही साथ बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। बताऊं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है धीरे धीरे, गले लगा रहा हूं तुम्हें, बहुत पास हो तुम, इतना पास कि तुम्हारी हर सांस का एहसास हो रहा है मुझे। तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूं, शक्ल नहीं दिखाओगे तुम मुझे कभी नहीं। शक्ल तो दिखाऊंगा, आऊंगा वापस वापस वापस। सोच ही रहा हूं कि अगली बार हाथ तोड़ू या टांग तोड़ा के आ जाऊं। अगर तुमसे मिलने का दर्द ही एक तरीका है तो दर्द ही सही, तुमसे ना मिलने का डर छोटे मोटे दर्द के आगे कुछ भी नहीं चलेगा। तुम्हारी पट्टी हो चुकी है, तुम जा सकते हो, फिर कभी मत आना। सुनो, ये कलर मत पहना करो,
तुम पे जरा भी अच्छा नहीं लगता। पिंक पहना करो, पिंक अच्छा लगता है। स्टॉप, इसके आगे नहीं आओगे तुम, समझे? एक कदम भी नहीं आओगे। लीव। तुम्हारे और मेरे बीच में जो चीज आएगी, या टूटेगी या खत्म हो जाएगी। पन्नी, हाथ दो। कुछ नहीं होगा पन्नी, तुम्हें हाथ दो। मैं हूं यहाँ पे, हाथ दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पन्नी, पन्नी तुम ठीक तो हो? पन्नी, कुछ नहीं हुआ। पन्नी, तुम्हारी ये हालत कैसी होगी? किस पन्नी, बताओ मुझे, किसने किया तुम्हारे साथ? किसने जिंदा तुम्हें इसके अंदर ऐसे डाला? बन्नी, जवाब दो। थाओ बन्नी। युवान, युवान, सिर्फ कबीर अब युवान जाएगा, बचेगा सिर्फ सिर्फ कबीर सिंह राठौर। युवान, ये मैं कटे हूँ बन्नी। हाँ, ये तारा घर है। हाँ हाँ बन्नी, ये मेरा घर। थोड़ा आराम करो, मैं सूप लाया हूँ, तुम सूप पी लो। ना, मारे को जाना होगा, युवान के पास जाना होगा। पन्नी, पन्नी, बैठे रहो। अगस्त्य, थारा घड़ा घड़ा आभार की तुमने मारे को बचा लिया, पर अभी मारा जाना जरूरी है। पन्नी, क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को, हालत देखो। रोहन डॉक्टर को बुला के ला रहे, एक बार डॉक्टर आएगा तुम्हें अच्छे से चेक करेगा, उसके बाद अगर जाना हो तो चले जाओ। युवान ना, इस वक्त ठीक नहीं, मारा जाना बहुत जरूरी है, मारे को जाना। बन्नी, ना, स्टॉप इट कर। क्या कर क्या रही हो तुम? बस करो बन्नी, और किस युवान के पास जाने की इज्जत कर रही हो तुम? ये वही युवान है जिसने कल रात को तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। बन्नी, जस्ट लिसन टू मी, ओके? बन्नी, मेरी नजरों में ना तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, एंड नॉट वन ऑफ दोस इमोशनल फूल्स जो प्यार के लिए अपने आप को खत्म कर देंगे। तुम्हें जाना है तो जाओ, वहां युवान के पास जाओ और उसको प्लीट करो कि वो तुम्हें जहर खिला दे, फिर तुम खुश रहना। बन तो ठीक है अगस्त्य, मैं जाऊंगी, क्योंकि वो जो इंसान है ना, वो हमारा युवान है ही ना। युवान को इस वक्त हमारी जरूरत है। युवान के अंदर वो कोई उसका दूजा रूप है, वो क्या कहते हैं उसे, स्प्लिट पर्सनैलिटी है। स्प्लिट पर्सनैलिटी, के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।